लगभग मेरा टर्नओवर एक साल का 20 लाख तक का है, और जो इसमें सब खर्चा मिला के निकाल के एक 12 से 13 लाख रुपए में लगता है। अभी मैं पहले फार्मिंग ये करता था, खेती करता था, अभी खेती में मैंने पूरा बंद कर दिया और फार्मिंग पे भी पूरा कंसंट्रेशन कर दिया। अब मैं फार्म बढ़ा रहा हूँ। घर का सपोर्ट था मेरे लिए, पर जो रिश्तेदार थे वो नहीं बोले इतना पढ़ा लिखा है और फिर बकरी पालन कर रहा है, तो थोड़ा सा वो पहले टोकते थे मेरे को कि क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है। बाद में आप मेरे डेवलपमेंट देख के, मेरे एनिमल देख के, मेरी प्रोग्रेस देख के, वो अभी अभी मेरे को बता रहे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और मेरे भी लेना है, मेरे को भी लेना है बोर की बकरी और मेरे को भी काम करना है, ऐसे बोल रहे लोग। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के अंदर सांगली जिले में। यहाँ पर मैं आपको पवन भाई से मिलाऊंगा, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी भी छोड़ के वापस गांव में आया। यहाँ पर इन्होंने बकरी फार्म शुरू किया। दोस्तों खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी में प्रॉफिट ना होने के कारण इन्होंने गोट फार्म स्टार्ट किया। आज पूरी फैमिली के साथ ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं, साथ ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं पूरे सफर और अनुभव के बारे में, कैसे बकरी पालन आप शुरू कर सकते हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं पवन जी? ठीक सर। सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम पवन सिसाल है, मैं पलूस का रहने वाला हूँ, और जो मेरा फार्म है, फार्म का नाम है निर्मिति बोरगोट फार्म पलूस, जो पलूस तहसील में आता है, जिला सांगली और स्टेट महाराष्ट्र है। तो पवन जी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, में बीए हूँ। बीए कंप्लीट करने के बाद मैंने डेयरी डिप्लोमा का जो कोर्स होता है 2 साल का, वो किया है, और मैं खेती करता हूँ, करता था पहले, बाद में ये गोट फार्म चालू कर दिया है। पवन जी एजुकेशन की आपने करी है, उसके बाद आप शहर में रह रहे थे, तो गांव का कैसे यहाँ पर आपको विचार आया कि गांव चला जाए, यहाँ पे कुछ करा जाए अपना काम? वो शहर में भागदौड़ की ज़िंदगी है पूरी, गांव में आके देखा तो कुछ लोग बकरी पालन कर रहे थे, मैंने सोचा वो बकरी पालन करते हैं, करने से उसमें थोड़ा सा पैसा भी मिल जाएगा, इस हिसाब से मैंने सोच कर वो बकरी पालन स्टार्ट किया था। जी बकरियों से आपने शुरुआत करी? मैंने पहले उस्मानवादी ब्रीड से 5 फीमेल ली थी और एक बोर का मेल लिया था, उससे स्टार्टिंग की थी। और अभी कौन सी ब्रीड आपके पास है? अभी मेरे पास प्योर बोर अफ्रीकन बोर है, उसमें से जनरेशन की फीमेल है, फुल ब्लड का मेल है, और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, ऐसी 25 एक बड़ी फीमेल है मेरे पास अभी। तो पवन जी बताएं अभी कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने बच्चे हैं अभी अपने पास में? अभी मेरे फार्म में टोटल 50 या 60 तक एनिमल है, उसमें से बड़ी बकरी जो प्रेग्नेंट है, खाली है, उसमें से वो 30 है, 20 बच्चे है और 2 ब्रीडिंग के मेल है। यहाँ पर लैंड कितनी है आपकी? मेरी इधर 3 एकड़ की लैंड है जी, पूरी जी। उसमें से एक 10 गुंटे में मेरा शेड और मेरा जो रूम है इतना है, और बाकी का 2.5 एकड़ जो है मेरा, वो सब उसमें से हरा चारा लगा हुआ है। इस फार्म को बनाने में क्या लागत आई? इस फार्म को बनाने में मेरे को स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगे थे, उसमें से मैंने 5 लाख शेड के लिए खर्चा किया था और 5 लाख के एनिमल खरीदे। कॉस्ट क्या आई सर फार्म को बनाने में? इस फार्म के मैंने 2 स्टेप में बनाया हुआ है फार्म, पहले 5 लाख गए थे, फिर बाद में 2 साल पहले मैंने बाकी का काम पूरा किया, उसमें से 10 लाख रुपये गए थे। सर जो आपने बकरी रखी हुई है, ये जानी जाती है वेट गेन के कारण, तो क्या क्या और कब कब भी अपना वेट गेन करती है, कितना कितना करती है? अभी जो छोटे बच्चे रहते हैं अफ्रीकन बोर के, तो वो पर डे के हिसाब से 250 से 300 ग्राम तक वेट गेन करते हैं जी, और जो बड़े बकरे होते हैं 1 साल तक के, वो 100 kg के आसपास जाते हैं, और जो फीमेल होती है अडल्ट फीमेल 1 साल के ऊपर की, वो 70 से 80 kg तक जाती है। पर बकरी की बात करें सर, दिन का कितना खर्चा आता है? मेरे फार्म में अभी एक बकरी को संभालने के लिए दिन में 25 रुपये का खर्चा आता है। फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइए, क्या क्या आप इनको खिला रहे हैं? फीड मैनेजमेंट में हम उसको 2 टाइम खुराक देते हैं, उसमें से कॉन्सेंट्रेशन फीड होता है 2 टाइम सुबह और शाम, और उसमें से हरा चारा भी 1-2 टाइम लगता है, उसमें से मक्का सुबह बोल तुती होता है, और 1 टाइम उसको सूखा चारा में तोर का भूसा देते हैं। ये जो बकरियाँ बेचते हैं, आप पीस के हिसाब से बेचते हैं या फिर वेट के हिसाब से बेचते हैं? हम जैसे कस्टमर की डिमांड है उस तरफ से बेचते हैं, किसी को पीस के हिसाब से चलता है तो पीस के हिसाब से देते हैं, किसी के वेट के हिसाब से चलता है तो वेट के हिसाब से देते हैं। तो पवन जी बताइए, आपने लास्ट माल कब बेचा था और किसको बेचा? अभी मैंने 4 दिन पहले राजस्थान को डिलीवरी दी है, 2 फीमेल और 1 मेल दिया था जी, जो महावीर प्रसाद नाम के एक मेरे कस्टमर है उनको दिया था। तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई? हाँ, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूँ।
तो सर ये बताइए, इसका जो वेस्टेज होता है मिंगनी वगैरह, उसका क्या करते हैं आप? उसका जो वेस्टेज होता है उसको खेती में डालते हैं, और जो बचा हुआ रहता है खेती में डाल के वो मैम बेच देते हैं। एक ट्रॉली का लगभग 4,500 के आसपास से हमारा इधर रेट मिलता है। अभी अगर आप शहर में रहते हैं और वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपका पूरा टाइम देना पड़ता फार्म पे। लेकिन अभी यहाँ पे कितना आप समय दे रहे हैं फार्म पे? अभी मैं सुबह में, मेरा भाई और माँ रहती है, वो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। सर कहते हैं बकरी पालन में कुछ लोग कहते हैं ईद में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कुछ कहते हैं ब्रीडिंग में फ़ायदा होता है, तो आप किस पे काम कर रहे हैं और आपकी नज़र में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? मेरा फार्म जो है वो स्पेशली ब्रीडिंग फार्म है, तो मैं ज़्यादातर ब्रीडिंग के लिए एनिमल बेचता हूँ, और जो रहते हैं बकरे बड़े वाले वो मैं बकरीद के लिए बेचता हूँ, वो जो मुंबई साइड चिपलून साइड जाते हैं बकरे। तो ऑल ओवर प्रॉफिट कितना ले लेते हैं? लगभग मेरा टर्नओवर एक साल का 20 लाख तक का है, और जो इसमें सब खर्चा मिला के निकाल के एक 12 से 13 लाख रुपये लगता है। तो अभी कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए? मेरे को अभी 10 साल हो गए फार्म चालू करके। कैसा काम लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया काम है, अच्छा काम है, और उससे अच्छा पैसा भी मिल रहा है और अच्छी उन्नति हो रही है मेरी। बकरी पालन के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का जो फेज था 1-2 साल का मेरा, उस टाइम मेरे को मोर्टिलिटी थी, थोड़ा सा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा सा लग रहा था। बाद में मैंने सीखा उसमें से कुछ कम पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी वो इतना अच्छा हो रहा है कि बकरी पालन के सिवा दूसरा कौन सा ही बिजनेस, मेरा मेन बिजनेस अभी बकरी पालन हो रहा है। अभी मैं पहले फार्मिंग ये करता था, खेती करता था, अभी खेती में मैंने पूरा बंद कर दिया और फार्मिंग पे भी पूरा कंसंट्रेशन कर दिया, अब मैं फार्म बढ़ा रहा हूँ। इसलिए सर हर काम में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, होता है। आपको कभी इस काम में नुकसान हुआ? मेरे को स्टार्टिंग तो क्यों हुआ, स्टार्टिंग में मेरे को नुकसान हो गया था जब मैंने देसी नस्ल खरीदी थी जी। उस टाइम मेरे को बच्चे की मोर्टिलिटी का बहुत इशू आया था, बाद में फिर इसके लिए मैंने डेयरी डिप्लोमा की खुद की, तो उसमें थोड़े से डॉक्टर की सलाह वगैरह ली और मैनेजमेंट बदला, अच्छी तरह से मैनेजमेंट दिया, तो हो गया अच्छा काम। अच्छा लोगों का क्या रिएक्शन था जब सर आपने काम, क्योंकि बकरी पालन काम सर आज भी छोटे कामों में गिना जाता है, मतलब पढ़े लिखे लोग जो है इसको कम ही करते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन था या फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मेरे को बकरी पालन करना है? जब मैंने स्टार्टिंग में बीए करने के बाद जब बकरी पालन चालू करना ऐसे बताया, तो घर का सपोर्ट था मेरे लिए, पर जो रिश्तेदार थे वो नहीं बोले, इतना पढ़ा लिखा है और फिर बकरी पालन कर रहा है, तो थोड़ा सा वो पहले टोकते थे मेरे को कि क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है। बाद में आप मेरे डेवलपमेंट देख के, मेरे एनिमल देख के, मेरी प्रोग्रेस देख के, वो अभी मेरे को बता रहे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और मेरे भी लेना, मेरे को भी लेना है बोर की बकरी और मेरे को भी काम करना है, ऐसे बोल रहे लोग। मतलब वो लोग जो पहले बुराई करते थे, बुराई करते थे, अब अच्छाई करके वो खुद करना चाहते हैं, खुद इसमें आना चाह रहे। थोड़ा फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइए। फीड मैनेजमेंट में हम गोली पिन डालते हैं सुबह जी, फिर यानी जो रेडीमेड फीड होता है, हाँ रेडीमेड फीड होता है कॉन्सेंट्रेशन फीड, वो डालते हैं सुबह 7 बजे तक, और फिर 9 या 10 बजे तक तोर का भूसा रहता है वो डालते हैं, और दोपहर को 2 या 3 बजे हरा चारा डालता है, उसमें से तुती होता है, मक्का होता है, मेथी घास होता है, और बाद में 6 या 7 बजे तक हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड फीड बाद में देते हैं, फिर भी 2 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड फीड देते हैं, इतना दिन का शेड्यूल है इसका। हरे चारे में क्या क्या दे रहे हैं? हरे चारे में हम इसे मक्का, तुती है, सुबाबुल है, शेवरी है, ये हरे चारे में है, और जो सूखा चारा रहता है उसमें तुअर का भूसा है। हरा चारा देना सर कितना ज़रूरी है? गोट को एक गोट को लगभग 4 kg तक चारा लगता है टोटल, उसमें से 2.5 या 3 किलो तक हरा चारा देना चाहिए, 1 किलो तक सूखा चारा देना चाहिए। तो हरा चारा जो है खुद का? हाँ मेरा खुद का है, मेरे खेत में लगा हुआ हरा चारा है। और दिन में कितनी बार फीड देते हैं सर? जो कॉन्सेंट्रेटेड फीड रहता है वो दो टाइम देना पड़ता है, और जो चारा देते हैं हम वो 2 या 3 टाइम देना चाहिए। लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ रही है आपको अभी? अभी मेरे फार्म पे तो लेबर नहीं है, मैं, मेरा भाई और मेरी माँ देखते हैं। सर काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि फुल ब्लड क्या होता है, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, सर थोड़ा बताइए कि ये होता क्या है और आपके पास कौन सी जनरेशन है वो भी दिखाइए। मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ। पहले बोर जो थी इंडिया में वो निमकर सीड्स ने लाई थी, उसमें से होती है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की बोर निमकर ने लाई थी, उसे निमकर लाइन बोर बोलते हैं। जो निमकर लाइन की बोर है उसको जो अफ्रीका से आया हुआ मेल है डायरेक्ट इम्पोर्टेड फुल ब्लड का, उसे क्रॉसिंग करते हैं, जो बच्चा पैदा होता है
वो फुल फर्स्ट जनरेशन कहलाता है। और जो बच्चा बड़ा होके फिर उसको बाद में अलग ब्लड लाइन वाले बकरे से, फुल ब्लड बकरे से क्रॉसिंग करते हैं, जो होने वाला बच्चा है वो सेकंड जनरेशन का बच्चा होता है। अभी मेरे फार्म में टोटल एक 8 फीमेल निमकर लाइन की है, 10 फीमेल फर्स्ट की है, 12 फीमेल सेकंड की है, और थर्ड के बच्चे हैं मेरे पास अवेलेबल, और फुल ब्लड की मेरे पास 4 एनिमल है टोटल। सर दिखाइए थोड़ा सा, आपका जो ब्रीडर है, ठीक है, वो फुल ब्लड है अपना? हाँ, फुल ब्लड इम्पोर्टेड लाइन का मेल है मेरे पास, चैम्पियन नाम का। जी, ये हमारा फुल ब्लड का मेल है, उसका एज 14 या 14 मंथ्स है, और उसका वेट है लगभग 120 केजी के आसपास। सर इसकी थोड़ा पहचान बताइए, क्या इसकी पहचान जी? फुल ब्लड की होती है तो सबसे पहले वेट गेन की है, उसके कैरेक्टर की है, उसके सिंग की है, उसकी हेड साइज की है, और इसकी बोन साइज है। इसका जो सिंग होता है सर, वो पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ सिंग होता है ऐसा, ठीक है। उसमें से जो हेड की साइज आती है उसमें से वो थोड़ा कर्विंग आता है ऐसा, उसी दाढ़ी, कान की लंबाई, डेप्थ, गहराई, ये सब इसमें कैरेक्टर आते हैं फुल ब्लड में। अभी सर बात करें तो कितने महीने का है बच्चा? ये अभी 14 महीने हो गए उनको, 14। और कीमत की बात करें तो क्या कीमत होगी इसकी? अभी इसकी फुल ब्लड के हिसाब से 5 लाख के आसपास कीमत हो जाएगी। तो ये आपने ब्रीडिंग के लिए रखा? ब्रीडिंग के लिए रखा है। ये अपना प्योर साउथ अफ्रीकन है? हाँ, साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड मेल है। ठीक है, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए आपने? हाँ, ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ मेल है। ये फुल ब्लड की फीमेल है, उसकी लेंथ तुम देख सकते हो, उसके सिंग देख सकते हो, ये डायरेक्ट साउथ अफ्रीका की इम्पोर्टेड लाइन की फीमेल है जी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फीमेल है, उसके सिंग, उसकी हेड मार्किंग, उसकी लंबाई, सब सब तुमको अलग ही दिखने लगेगी। वैसे क्वालिटी की है सर ये? ये क्वालिटी इसलिए कि तुमको अलग दूसरी शेरी से जो गोट से तुम कंपेयर करोगे तब उसको सब कैरेक्टर तुमको दिख के आएगी कि इसकी लेंथ कितनी बढ़िया है, उसके सिंग कितने अच्छे हैं, इसकी हेड की साइज़ कैसी है, इसकी ये साइज़ भगो, डेप्थ भगो। जी जी, ये सब पूरा अलग है। और इसका सबसे अच्छा है कि वेट गेन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब सर ये बताइए, आपने तो शुरू कर लिया सक्सेसफुली, आप इसको कर भी रहे हैं, कोई अगर शुरू करना चाहता है बकरी पालन तो कैसे शुरू कर सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा और अप्रॉक्स कितनी वो कमाई से ले लेगा? अभी क्या है, जब स्टार्टिंग करनी है किसी नए आदमी को बोर की, बोर में करनी है, कौन सी भी ब्रीड में करनी हो, तो स्टार्टिंग उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर लो और उसके मैनेजमेंट देखो, एक 20-25 फार्म देखो तुम जाके पहले, और सबकी क्वालिटी अलग अलग, सबका मैनेजमेंट कैसा है ये देखो, और फिर थोड़े से एक लिमिटेड स्टॉक से 5 या 10 एनिमल लेके चालू करो, एक साल उसको एक काम कर लो पूरा, उसकी हर दिन की जो डेली रूटीन है वो देखो, उसकी प्रेगनेंसी देखो, उसके बच्चे देखो, और बाद में तुम अपने आप को डेवलप करके बढ़ा सकते हो। यानी पूरा ट्रेनिंग वगैरह लेके काम शुरू करें? काम शुरू। तो सर अभी फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरा फ्यूचर प्लान है बोर में ही अच्छी तरह से काम करने का। अभी मेरे 50 एनिमल है, मैं मेरे आगे इधर मेरे को जगह है पूरी बढ़ाने के लिए, और मैं फार्म बढ़ाना चाह रहा हूँ, और 1-2 साल में बढ़ाने वाला हूँ फार्म में, उसमें से 100 से आगे क्वांटिटी लेके जाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई को देने की कोशिश करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।